हेलो दोस्तों, कैसे हो? आगे एक और नया व्लॉग, और इस बार अपन जा रहे हैं नैनीताल, और जो कि हिल स्टेशन है। तुम्हें काफी मजे आने वाले इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि इसमें एडवेंचर चीजें भी होगी और ठंड का माहौल है, तो भाई हिल स्टेशन पे अलग ही लेवल चीज होने वाली है। पर तुम एक चीज सोचो कि यार, ये डिम लाइट और ऐसे सेटअप में क्यों बैठा है यश? क्योंकि अभी बज रहे हैं 6:30, और मैंने कहा कि स्ट्रीम टाइम है और इसको मिस ना करूं, मैं इतने दिन जा रहा हूं, तो मैंने कहा वीडियो इंट्रो का मैं ऐसे ही शूट करता हूं। और एक और चीज, अभी तक जिसने पहले वाला व्लॉग नहीं देखा वो देखो जाके, ऊपर यहां पे लिंक आ रहा होगा तो उस पर क्लिक करके तुम देख सकते हो। और इसमें भी तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें बेस्ट लगता है, लाइक करो, कमेंट करो तुम्हें पसंद आया, और सजेशंस हमेशा की तरह देते रहो। अभी ज्यादा बात नहीं करते, रास्ते में क्लिप निकालनी, आगे भी बहुत सारी चीजें आ रही वाली है, तुम देखने वाले हो, तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली भाई साहब पहुंच गए कश्मीरी गेट, और यहाँ से बस है अभी, और भयंकर ठंड पड़ रही है। मैंने मास्क भी लगा लिया कि हाँ चलो ठंड ना लगे, और जैकेट भयंकर पहन रखी है, बहुत ज्यादा ठंड है। पर इससे ज्यादा ठंड आगे जाके मिलने वाली है, चश्मे पे धुंध तुम्हें दिख रही होगी। और अभी पुनीत से मिलने वाले हैं, पुनीत मेरे को मिल गया ऑलमोस्ट। चलो, ये रे पुनीत सर, हाय बोल दो सर। हाय। तो अभी हमें यहाँ से बस मिलने वाली है, बाकी जो लोग हैं वो फोन पे अभी आज था वहाँ पे है। हाँ, फाइनली बस में एंट्री ले ली है, बाकी लंबी क्लिप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनली मैं सीट मिल चुकी है, ये दोनों, ये नहीं मतलब उसको उल्टी आ रही है अभी से। मे भी शायद आते वक्त सरकारी बस में आने वाले, अभी तक लगता है, आगे देखते हैं। पहुंच गए नैनीताल, और ये नैनीताल लेक है, देखते हैं अभी बाकी होटल जाएंगे। ठंड बहुत भयंकर है, मजे भी आ रहे, पर और सारी नींद उड़ चुकी है जैसे मैं बाहर उतरा, क्योंकि ठंड से अक्सर मेरे साथ तो यही होता है कि सारी नींद उड़ जाती है। पर खैर, अभी भी हम होटल की तरफ ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि पैदल ही चलते हैं, मज़े भी आएंगे, पूरा देखते हुए चलेंगे, शॉर्ट वॉट लेते हैं चलेंगे, काफ़ी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और एक बार तो मैं आराम ही करूँगा यार जाके, उसके बाद में ही कहीं जाएंगे सभी, क्योंकि पूरे भी थक गए हैं, सब थक गए हैं, तो एक बार आराम करेंगे, फिर उसके बाद बाहर चलते हैं, फिर सब कुछ देख रहे हो तुम्हें मिलने वाला है अभी आगे, तो देख लो यार इधर देख। चलो, एक चीज जो सबसे बढ़िया लग रही है यहाँ पे वो है कि भाई साहब हवा बहुत बढ़िया है यार, एकदम साफ है, और सांस लेने में मजा आ रहा है। मैं आया हूँ NCR से, तो तुम समझ सकते हो कितना अच्छा लग रहा होगा ये सब देख के। हालत बहुत ख़राब हो गई है, इतनी चढ़ाई चढ़ के आया हूँ अभी तक, 2 किलोमीटर चल के, फाइनली शायद हम बहुत जाएंगे, लेट्स सी। यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं हो जाए, पहले 2-3 जगह रिफंड ले चुके हैं ऑलरेडी, देखते क्या होता है। टिकट बुकिंग में, बस की ट्रैवलिंग की सब जगह सीन हुए थे, पता नहीं कहाँ है, मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ मिलेगा, अभी हमें नहीं मिलेगा, होटल नहीं मिलने वाला यहाँ पे, हम कोई गलत जगह आ गए, गलत हो गया प्लान थोड़ा, देखते क्या होता है। आप देखो इस सुनसान रास्ते भी जाना है, देख रहे हैं हाँ, नीचे चल नीचे, अरे नीचे ही है। हाँ तो यार, आगे हम फाइनली हमारे ठिकाने पे, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू कॉल इट, और ये है गोस्ट स्टॉप्स, इसका नाम लोगों मिल जाएगा नेट पे, पुनीत अंदर गया हुआ है, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है उसके रिलेटेड, और मैं इतने डिस्कवर कर रहा हूँ चीज़ें क्या क्या है भाई। यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आता है यार, देख गजब है, और इवन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे तुम बैठ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, झूले वूले टेबल्स है, और अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं भी सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला हूँ, बहुत अच्छा है यार ये सही, सीरियसली। और बाइकें भी खड़ी है, महंगी बताने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो मेरे को जितने देखते ज़्यादातर बाइक एंथुसियास्ट है, तो उनको पता ही होगा कौन सी है, और मेरा तो नॉलेज जानते हो कितना ज़्यादा है बाइक्स में ऑलरेडी, तो ठीक है, अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर देखते क्या करते हैं। चलो यार, तुम्हें अब दिखाते हैं अंदर का डाइनिंग एरिया, पहले तो मैं यहाँ से आया हूँ, पहले का क्लिप वहाँ ऊपर का था, अब चलते हैं अंदर, लेट्स गो। गेट देख रहे हो तुम लोग, और ये डाइनिंग टेबल एरिया है, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, काफ़ी अच्छा है, फूसबॉल है, कनेक्ट 4 है, ऊपर भी कुछ है, ऊपर देखेंगे बाद में, पूल टेबल है, और
पुनीत है, ये हाई करता रहता, इसको कुछ बोलना नहीं आता। ये ब्लॉग काफी लंबा होता लग रहा है मेरे को लग ही रहा है एक वीडियो में आ जाएगा। और अभी हम निकल गए हैं टिफिन टॉप के लिए, जो कि मेरे रेजिडेंस से काफी पास ही, ऑल्दो इतने दूर नहीं है, तो आप की चढ़ाई चढ़ेंगे और ऊपर तुम्हें दिखाएंगे कहाँ पे कैसा है वो। लेट्स गो। बहुत ही कम चढ़ाई इसकी, आसान है बहुत ज्यादा, हमारे तो ऐसे दौड़ के चढ़ लिया हम, देखो इससे पूछो है ना भाई हालत खराब हो गई है, पहाड़ की चोटी पे कैसे जाएंगे अभी तो, क्या बहुत दूर है यार अभी तो हमारे वादिया। हाँ दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, ये लो मेरे बिना देख लो पूरा। गाइस हमें ये गिरी हुई मदर मां मिली है, ये गिर गई थी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, प्लीज बताइए गाइस क्या करें हम। गिरे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप लोग भी और नए लोग ये कह रहे हैं हम बहुत गिरे हुए हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको यहाँ पे पत्थर दिख रहे हैं? क्या ये पत्थर है? क्या ये पत्थर है? इतना बड़ा पत्थर है? क्या ये पत्थर में कन्वर्ट होने वाली है? अरे यार चलो चलो ऊपर चलो, मैं दोनों हाथ से पकड़ूंगा, फोन नहीं पकड़ूंगा तो गिर जाएगा। भयंकर तेज हवा चल रही है और बाकी मैंने ले लिया एक्सपेरिमेंटल शॉट, तो वो तुम्हें दिखाई दूंगा, और एक साथ बेक मेरे साथ भी बना रहा हूँ भाई, काफी खतरनाक डर लग रहा है यहाँ पे, एकदम खाइए यहाँ से, पता नहीं कितने ऊपर है हम, पर तुम्हें दिख रही चीजें। और मुझे तुम बताओ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें दिख रही है मेरे अलावा, जैसे तुम्हें वो दिख रहा है वो वहाँ पे हिमालयस, काफ़ी थ्रिलिंग था यार। और अभी तुम लोगों ने देखा वो स्पॉट वहाँ पे था जिसका तुम्हें अभी क्लिप देखे, कहाँ वहाँ, हाँ बहुत ज़्यादा मज़े आए, और एक सन किस फोटो तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना, तो मैं फुल ऐसे इफेक्ट वेफेक्ट लेके ले रहा हूँ। और देखो तुम दिखाते कहाँ से किरने आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये वाला व्यू भी अच्छा है, पर ऑल्दो इधर दिख नहीं रहा क्योंकि पेड़ ज़्यादा है। अभी गर्म गर्म कॉफ़ी पियेंगे, नाक ठंडी हो गई, भयंकर ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा हाइट पे यार, और मैं वहाँ खड़ा था ना ऊपर, लिटरली मेरे को लग रहा था कि मैं गिर जाऊँगा, इतनी तेज़ हवा है, तुम सोचो मेरे जितना हाथ भी गिर जाए, छोटे बच्चे तो ऑफकोर्स गिर जाए। और ऐसे फ़ोन भी मैंने दोनों हाथ से पकड़ के किया ऑलमोस्ट सब कुछ, क्योंकि भाई पूरा डर लग रहा था कि कभी भी गिर सकता है। तो अब वापस नीचे जाने की, खैर उसमें इतनी मेहनत लगेगी, पर आई थिंक शायद अंधेरा हो जाएगा तो शायद थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चल गया हूँ, होड़ भी तुम्हें दिख रहा सफ़ेद हो गए, देखते हैं कल कहाँ जाते हैं, और अभी भी यहाँ से भी मैं कहाँ जाता हूँ, तो अभी देखते हैं ढलान में शायद मैं बना लूँ एक और दो क्लिप, रखते हैं फिर अभी। और हमने जो पुनीत ने मेरे को जैसे बताया कि जो करना होता है पहाड़ों पे आके, मैगी खानी चाहिए, चाय पीनी चाहिए, जो कि मैं नहीं पीता हूँ, तो चाय पी रहा हूँ, और नज़ारे के मज़े, और ट्राईपॉड भी दिख गया तुम्हें, मेरे हाथ का फील था, लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़ा था भाई मेरे फोन। और अभी आ रहे हैं मोमोज, राइट, तो चलो फिर अब मैं उतर के ही लूँगा क्लिप अगर लूँगा तो, नहीं कर रहा मैं। भाई शाम हो रही है और टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, हम जल्द से जल्द पहुँचेंगे हमारे डॉम में, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हम बस 30% नीचे आए हैं अभी, इट्स लाइक अभी मोर देन 30%। और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं अंधेरा बढ़ता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है गाइस, फाइनली नीचे आ गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब अब आ गए जहाँ पे लोग हैं, जंगल वाले एरिया में नहीं है हम, और देखते हैं अब कितना टाइम लगता है, आई थिंक पहुँचने वाले हैं। अच्छा ऐसा है क्या, अरे काफ़ी चीज़ होने वाली है, ये भाई ने पहले रिवील कर दिया, फाइनली हम वापस आ गए, ये भी हमारे साथ है वापस, हाय गाइस ही कर तू वही करता है, हाँ ये इसका मेन डायलॉग बन गया है, हम आ गए अब तुम्हें दिखाते हैं शाम को कैसा लगता है। और पुनीत तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रहा है ये सब, पुनीत जी बताइए क्या 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 है, कहाँ पे क्या होता है, कैमरे में आके बताओ क्या दिख रहा है आपको, कहाँ पे बॉनफायर होता है, ओके, काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और यहां पे एक वो बार एरिया सॉर्ट ऑफ है जहां पे आप बार स्टूल भी लगी हुई है, और मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई, इनफैक्ट मैं एक ऐसी बार स्टूल ढूंढ रहा हूँ फुल वुड में, तो अगर तुम लोग जानते हो कोई तो मुझे बता दो, मेरे बहुत काम की चीज हो, ये दिखा दो, सबसे ज्यादा मजे यही आएंगे, एक तो पेड़ के नीचे है भाई, क्या
क्या इफेक्ट दे रहा है यार ये भाई साहब। पूरी बैठ ना, बैठ के दिखा, देख ऐसे ऐसे बंदे बैठे हो ना सारे, ऐसे आके बैठ सकते हैं। ये हम ट्यूटोरियल बता रहे कैसे बैठते हैं, मैं ऐसे दिखाना चाहता था कि बैठ के कैसे लगता है भाई, शानदार है यार सही में। और ऐसे टेबल पे आप ऐसे रख के ऐसे तुम एस्थेटिक फोटोज ले सकते हो जैसे दिख रहा है। बिल्कुल, और हम अब वही करने वाले हैं, वही करने वाले, बोल दिया उसने। ठीक है तो मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा। ओके तो अभी माहौल बन चुका है पूरा और मुझे काफ़ी नए लोग मिल गए, सबका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और जो ऑलरेडी मिल चुके उनका भी होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वो खुद ही देंगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ और जो उनको बोलना है। आई एम निष्कर्ष, ओके फ्रॉम लखनऊ। क्या बात है, इंटरव्यू में सिलेक्टेड हो आप। सर हाय, माय नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम दिल्ली। क्या बात है। फुल मजे हो रहे, देख लो तुम, बॉनफायर भी हो रहा है। सर आप बोलो कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। Hi, I'm Sankalp from Lucknow. क्या बात है, और भाई का बिजनेस भी है, प्रमोशन होना चाहिए। लखनऊ के नाम से, यस प्रॉपर बताओ। ऑलिव गार्डन के नाम से, राजलक्ष्मी के नाम से। ओके आप? It's Khushi from Lucknow itself. That's a software engineer. Very okay. Hi, I'm Arya. I'm actor. दो चुटकी सिंदूर की। तुम क्या जानो रमेश? क्या बात है? Okay, who are you? और हमारे पुराने पुनीत हैं नास्ता। ओके हम तो आपके साथ हमेशा से हैं। अच्छा ऐसा है क्या? तो यार तुमने देख लिया और अभी काफी माहौल बन रखा है और अभी सब मिलके ये कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे बहुत ही अच्छी, और मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ तो, और बाकी अभी इतना रखते हैं, फिर अगले पार्ट पे चलते हैं और तुम्हें अगले वाले में और काफी कुछ मिलेगा। पहले दिन पे ही इतने अच्छे लोग मिल गए हैं, फुल माहौल सेट हो गया है और अभी रात को बड़े मजा आने वाले हैं। अभी हम पूल टेबल भी जाएंगे, गेम्स खेलेंगे काफी। तो सही में वो जो चीज चाहिए थी ना वो है यहाँ पे। चलो